उसके माफत बन, इसको देख ये सक्सेसफुल है इसके माफत बन। लेकिन हम में से कोई आदमी ये नहीं बोलता है कि उस आदमी ने किया क्या, सब बोलते हैं उसके माफत बन, वो डायमंड है उसके माफत बन, उसको देख, हम देख के बैठे, कुछ नहीं हो रहा अपना, क्योंकि देखने से हो जाता तो मैं तो रोज अमिताभ को देखता हूं, मैं तो रोज सचिन को देखता हूं, मैं तो रोज आशा भोसले को देखता हूं, रोज जाकिर हुसैन को देखता हूं, तो मैं उसके माफत बनता क्यों नहीं हूं फिर? बात देखने की नहीं है, व्हाट मेन डिड सब बोलते हैं, उसने क्या किया सब बोलते हैं। देखो वो 5 लाख रुपए कमा रहा दिन का, उसको देख उसके माफत बन। अरे उसने क्या किया बता रहे हो, लेकिन उसने क्या किया, वो कहां है वो बता रहे हो, लेकिन उसने क्या किया जिसकी वजह से 5 लाख आया ये कोई नहीं बता रहा है। सिंह साहब कोई नहीं बता रहा है। और जो सक्सेसफुल है वो अपने मस्ती में सक्सेसफुल होके आगे बढ़ रहा है, और जो नहीं है उसको देख के बैठा है। तो मैंने थोड़ा आगे गया और मैंने ये चक्कर चलाया कि ये लोग जहां पर भी पहुंचे, ये जो टॉप के लोग हैं, ये जहां पर भी पहुंचे, व्हाट मेड मेन डू इट, क्या चीज ने इनको वहां तक पहुंचाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। और आप वो फॉर्मूला जानना चाहते हो? फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है। और वर्ल्ड में मैंने सभी ग्रेट आदमी लोगों को स्टडी किया और एक ही फॉर्मूला निकला है, और फॉर्मूला ये है। द सीक्रेट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और अंग्रेजी यहां पर लिखा हुआ मेरे को भी नहीं समझ में आता है, टेंशन लेने का नहीं, जो भी इधर लिखा हो मैं बोलूंगा, मुझे सुनते रहो आपको समझ में आ जाएगी। अभी तक तो सब समझ में आ रहा है ना? तो टेंशन नहीं लेने का। द सीक्रेट लाइज इन द फैक्ट दैट सक्सेसफुल पीपल फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट फेलियर्स डोंट लाइक टू डू। सीक्रेट क्या है सक्सेस का? सक्सेसफुल लोगों ने वो चीज करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल और एवरेज लोगों को अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों ने वो चीज करने की आदत डाली, वो चीजें करने की आदत डाली, वो चीजें करने की आदत डाली जो एवरेज और अनसक्सेसफुल लोगों को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं रोज सुबह उठ उठ के उठने की आदत डाली। मुझे भी प्रोस्पेक्टिंग करके लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने रोज सुबह उठ के लिस्ट बनाने की आदत डाली। मुझे भी पब्लिक को इनवाइट करने को अच्छा नहीं लगता, और बड़े बड़े सेमिनार में जाके उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सभी को रोज इनवाइट करके करने की आदत डाल। मुझे भी बुक पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी बुक पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज मैंने 1 घंटा रोज बुक पढ़ के पढ़ने की मैंने आदत डाली। मुझे भी रोज शेव करने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी रोज शेव करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने शेव करके शेव करने की आदत डाल दी। मुझे भी अपनी काबिलियत बढ़ाने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने रोज अपने कौशल्य और काबिलियत में बदलाव ला लाके कौशल्य और कैपेबिलिटी में बदलाव लाने की आदत डाली। मुझे भी टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं रोज कंप्यूटर कर करके कंप्यूटर की आदत डाल दी। सक्सेसफुल लोगों ने वो सब चीजों की आदत डाली जो एवरेज आदमी को अच्छा नहीं लगता।
मुझे भी रोज सुबह उठ के जॉगिंग करने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी सुबह रोज उठ के जॉगिंग करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं रोज सुबह उठ उठ के जॉगिंग कर करके मैंने उठ के करने की आदत डाली। मैंने भी अपने बॉस को, अपने अपलाइन को वादे किए। मैंने भी मल्होत्रा साहब और गुप्ता साहब और जितने मेरे 17 बॉस थे, मैंने वादे किए। और जो वादा मैंने किया कि मैं इतना आदमी लूंगा, इतना वैक्यूम क्लीनर बेचूंगा, इतना फायर एक्सटिंग्विशर भेजूंगा, और मैंने वादा किया, वादे करके मैंने निभाए और वादे करके निभाने की मैंने आदत डाली। तो सक्सेसफुल आदमी में और अनसक्सेसफुल आदमी में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल आदमी ने वो किया जो अनसक्सेसफुल आदमी को अच्छा नहीं लगता। तो सक्सेस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको भी लोगों के पास जाके मिलके उनको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी शर्म आती है, मुझे भी शर्म आती है, लेकिन मैंने जा जाके बोल बोल के बेशर्म होके अब मैं टोटल इंडिया का सबसे बड़ा बेशर्म हूँ। सो सक्सेस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता, वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक कदम आगे बढ़ के जाके झांकने की कोशिश की कि ये जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कर रहे हैं जो अनसक्सेसफुल लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो क्या ये सक्सेसफुल लोगों को बहुत अच्छा लगता है? पता चला कि सक्सेसफुल लोगों को भी वो करना अच्छा नहीं लगता जो अनसक्सेसफुल लोगों को भी करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो सोच रहा था कि सक्सेसफुल लोग जो कर रहे हैं उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है, और अनसक्सेसफुल लोग उसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें आनंद नहीं आ रहा, लेकिन पता चला कि ये सक्सेसफुल लोगों को भी वो करना अच्छा नहीं लगता जो अनसक्सेसफुल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। यानी दोनों को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी टीवी देखना अच्छा लगता है, आपको भी टीवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन आपने देख देख के देखने की आदत डाली। मैंने नहीं देखने की आदत डाली। मुझे भी बहाना देना अच्छा नहीं लगता, कमिटमेंट किया बहाना देना अच्छा नहीं लगता, आपको भी बहाना देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने दे देके बहाने देने की आदत डाली। मैंने नहीं देके। अच्छा, मुझे भी बहाने देने को बड़ा दिल करता है, लेकिन मैं जानता हूँ अगर मैंने वो कर दिया तो मेरी आदत हो जाएगी, और आदमी का फ्यूचर उसके आदत से जुड़ा हुआ रहता है। तुम आज जो भी हो तुम्हारी आदतों के वजह से हो। बहुत नोट कमा रहे हो तो आदतों को देखो, और नहीं कमा रहे हो तो आदतों को देखो। मेरी आदतों को देखो, तुम्हारी देखो। परसों के दिन मेरे को कुछ एक आदमी पूछ रहा, सर मैं आज यहां पर टॉक आपका सुनने के लिए इसलिए आऊं क्योंकि आज आप में और मेरे में क्या फर्क है ये जानना है। मैं बोला फर्क सिर्फ आदत की है, सिंपल है। अब तू समझ गया ना, अभी तुझे मेरी टॉक की जरूरत नहीं, चला जा, क्योंकि तेरे में और मेरे में एक ही फर्क है। तू सुबह नहीं उठता, मैं उठता हूँ। तू नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ। तू टीवी देखता, मैं नहीं देखता। तू फील्ड में नहीं जाता, मैं जाता। तुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, लेकिन मैंने किया, तूने नहीं किया। सिंपल फॉर्मूला ये है। तो फिर मैंने सोचा यार, अच्छा इससे यू नो
कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप 8वीं फेल है, आपको सिर्फ गुजराती आता, आपको अंग्रेजी का एक वर्ड नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपका माँ बाप बहुत पैसे वाले थे, आपका कनेक्शन कितना है, आप वेल कनेक्टेड है कि नहीं, आप 1000 आदमी को जानते हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आदतों की बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अनपढ़ है, गवार हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपकी आदतें कौन सी है बस ये देख लो। तो आपका बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, सोशल स्टेटस, लैंग्वेज वगैरह, इससे सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो मैं एक कदम आगे बढ़ के देखने का चक्कर चला है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट फेलियर्स डोंट लाइक। ये फेलियर और एवरेज वाले को क्या चीज अच्छा नहीं लगता? अरे मेरे को एक बात समझ में आ गई कि जो बात सक्सेसफुल लोगों को अच्छा नहीं लगता, वही बात फेलियर को भी अच्छा नहीं लगता। तो दोनों को अच्छा नहीं लगता, एक ने आदत डाली, एक ने आदत नहीं डाली। एंड देयरफॉर सक्सेस ओनली कम्स टू फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों को। एक हजार आदमी में एक आदमी सक्सेसफुल होता है क्योंकि वो एक ही ने वो आदत डाली जो उसे भी अच्छा नहीं लगता, और बाकी 999 ने वो किया जो उनको उसको अच्छा लगता है। दैट इज वाई दुनिया में सक्सेसफुल आदमी कम और नॉन सक्सेसफुल ज्यादा, क्योंकि पूरी समुदाय में वो करने की आदत है जो उन्हें अच्छा लगता है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है कि सक्सेस बहुत कम लोगों को आता है। बहुत कम लोगों को सक्सेस इज नॉट अचीव बाय फॉलोइंग नेचुरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। नेचुरल लाइक्स एंड डिसलाइक, नैसर्गिक रूप में आपको कुछ कुछ चीजें अच्छा लगता है, नैसर्गिक और स्वाभाविक रूप में आपको कुछ कुछ चीजें अच्छा नहीं लगता। जैसे बड़े इंसानों को मिलना आपको अच्छा नहीं लगता होगा, नैसर्गिक रूप में अगर मैं एक छोटा आदमी हूं तो मुझे बड़े आदमी लोगों को ये नेटवर्क में लाने को थोड़ी हिचकिचाहट होती है, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, यस और नो? स्वाभाविक है। मैं थोड़ा मारुति वाला हूं तो मर्सिडीज वाले के पास जाने में मेरे को थोड़ी हिचकिचाहट होती है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, नैसर्गिक है। लेकिन स्वाभाविक और नैसर्गिक चीजें करने से सक्सेस नहीं मिलता, अस्वाभाविक और नैसर्गिक जो नहीं है वो करने से ही सक्सेस मिलता है। मिसाल के तौर पे मैं थोड़े दिन पहले एक मीटिंग में एक इंसान से बात कर रहा था, ये तो बोलते नायर साहब करेक्ट करेक्ट, आप जो बोलते ना सुबह उठना चाहिए करेक्ट करेक्ट है, लेकिन सर ऐसा है ना, मैं सुबह उठता हूं ना तो फिर मेरे को फुल डे चक्कर आता, मतलब अच्छा तू कितने बार उठा जिसके बाद ये तय हुआ कि उठने के बाद चक्कर आती है? बोले सर कितने बार, ने एक ही बार उठा था, वो दिन चक्कर आया था, उसके बाद कभी उठा ही नहीं। सो नैसर्गिक रूप में उसको जब चक्कर आया तो वो सो गया, उठा नहीं। दूसरा आदमी मिला थोड़े दिन पहले, बोलते नायर साहब आप जो बोलते ना करेक्ट करेक्ट, बुक्स पढ़ना चाहिए करेक्ट, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, बुक्स जो है हिंदी में इंग्लिश में सब में आती है, पढ़ना चाहिए सर करेक्ट 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 सर करेक्ट। लेकिन मैं सर जब भी बुक पढ़ता हूं ना मेरी आंख आप पे आप बंद हो जाती है, मतलब साले तेरी आंख है बाजू वाले की आंख है, बंद तेरे परमिशन के बिना हो कैसे गई? तो मैं बोला उसको तू पढ़ता कैसे है? बोलता सर लेट के पढ़ता हूं।
मैं बोला लेट के पड़ेगा तो आंख नहीं बंद होएगी तो क्या बंद होएगा, ये कोई कामा सूत्र का बुक तो पढ़ नहीं रहा तू। कि साला पढ़े तो 4-5 साल तक नींद नहीं आवे, फिर ऐसी तो कोई बुक नहीं। तू जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में बुक पढ़ रहा हो, कोई मनोहर कहानियां तो है नहीं। तो मैंने उससे पूछा जब तू ये पढ़ता है लेट के और तेरे को नींद आती है तो तू क्या करता है, बोलता करना क्या है, बुक बंद करके सो जाता हूं और क्या। और जिस तरीके से मैंने उससे पूछा और मैंने एक स्माइल मारा उसको, तो उसको थोड़ी एक थोड़ी हिचकिचाहट हुई। बोले नायर साहब आप क्या करते हैं, आपको नींद नहीं आती बुक पढ़ने के टाइम? मतलब आती है ना, तो आप क्या करते हैं? मतलब जब भी मैं बुक पढ़ता हूँ और मेरे को नींद आती है, मैं खड़े हो जाता हूँ और चल के पढ़ता हूँ, और फिर मैं पानी मारता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर मैं एक चाय पीता हूँ वो टाइम पे जो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब तू सोया हुआ रहता तब तक मेरा 4 चैप्टर पढ़ लिया, जब तू उठता है अगले दिन तेरा नॉलेज सेम रहता, मेरा बढ़ गया होता। तो तुझे नींद आई तो तू सो गया, मुझे नींद आई मैं सोया नहीं। मैंने वो किया जब नींद आया जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो कि उठना और चल के पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, जो कि पानी मारना मुझे अच्छा नहीं लगता, जो कि चाय पीना रात को 1-1.5 बजे मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे वो मिला जो मुझे चाहिए था, एंड दैट वॉज द नॉलेज जो बुक में था जो तुझे नहीं मिली। नैसर्गिक रूप में आपको जी नींद आती है ना तो आदमी सो जाता है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है कि बुक पढ़ता है तो नींद आता है तो आदमी सो जाता है। लेकिन सक्सेसफुल आदमी नहीं सोता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बुक पढ़ने से औरों से मैं आगे निकल जाऊंगा तो वो नहीं सोता। देयरफोर Your future is your habits. आपका future आपका habits है, आपकी आदतें हैं आपका future। अगर अच्छी आदत है future bright है, अगर अच्छी आदतें नहीं है future bright नहीं। And that is why आप जो भी कुछ हो आपके वजह से, आपकी आदतों की वजह से हो, और जो भी आप बनेंगे आपकी आदत की वजह से बने। जो भी आप बनेंगे, डायमंड बनेंगे तो आदत की वजह से, नहीं बनेंगे आदत की वजह से। तो मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग में और थोड़ी स्टडी की, और मैंने ये स्टडी की कि लोग रेगुलरली मार्केट में क्यों नहीं जाते। जब मालूम है कि मैं अकाउंटेंट का नौकरी कर रहा हूँ 9:30 से 5 बजे तक, और फिर उसके बाद मेरे पास हर दिन 2 से 3 घंटा है जिसमें मैं आराम से एकदम डेडिकेटेड होके पार्ट टाइम बढ़िया तरीके से, अगर मैंने सिक्योर लाइफ में काम किया तो मुझे बढ़िया इनकम मिल सकता है, तो फिर मैं करता क्यों नहीं हूं? मीटिंग होती है, ये होता है, मोटिवेशनल टॉक होता है, फिर भी मैं करता क्यों नहीं हूं? क्या मैं बेवकूफ हूं? क्या मेरे को अक्ल नहीं है? मुझे समझ में नहीं आती क्या बात है? मेरे को बात समझ में आ गई। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं, जिसकी वजह से मार्केट में जाने से, लोगों को बुलाने से, कॉल करने से, लिस्ट बनाना, ये सब जो चीजें हैं आदमी थोड़ा कतराता है करने को, क्योंकि एक चीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो एक कौन सी चीज है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है? जो उसको करना ही पड़ेगा सक्सेस के लिए, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक उसका डिसलाइक है, एक चीज से उसे इतनी नापसंदी है कि वो अपने आप को काम करने की तरफ लेके ही नहीं जा पाता।
वो कौन सी एक चीज है जो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं है, और वो ये है टू कॉल ऑन पीपल हु डोंट वॉन्ट टू सी अस एंड टॉक टू देम अबाउट समथिंग दे डोंट वॉन्ट अस टू टॉक अबाउट। सिंपल लैंग्वेज में बोलू, हमें उन लोगों से जाके मिलना है, हमें रोज किससे मिलना है, हमें उस इंसान से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहता। हमें उस इंसान से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहता, और उससे क्या बात करनी है जो वो हमसे करना नहीं चाहता। रोज सुबह दोपहर शाम हमें किससे मिलना है, हमें उस इंसान से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहता, और उससे क्या बात करनी है जो हमसे बात करना नहीं चाहता। मैं जब भी किसी को मिलता हूं वो आदमी मुझसे नहीं मिलना चाहता, और उससे मुझे क्या बात करनी है, उससे वो बात करनी है वो जो सुनना नहीं चाहता। मैं जब भी ट्रेनिंग की बात करता हूं या ट्रेनिंग के बारे में किसी को बोलना है, किसी को मेरी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, तो मुझे दिन भर उन इंसानों से मिलना पड़ता है जो मुझसे मिलना नहीं चाहते, और उससे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना नहीं चाहता। और यही रीजन है कि हम लोग अपना वक्त को बराबर वापरते नहीं है, हम लोग लिस्ट नहीं बनाते। अरे लिस्ट क्यों बनाओ, मेरी मत मारी गई है। तुम बोलता रिलेटिव का लिस्ट बनाओ, बापू लोग का लिस्ट बनाओ, दोस्तों का लिस्ट बनाओ, मैं पागल हूं। लिस्ट बना के उसी कुत्ते को मिलना जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, और उससे बात वो जो मुझसे करना नहीं चाहता। तो मैं क्यों लिस्ट बनाऊं? मैं अगर अक्लमंद हूं तो लिस्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा अपलाइन बोलता तू लिस्ट बना, लिस्ट बना। अपलाइन को गेम अभी तक समझ में नहीं आया, गेम अपने को समझ में आ गया। वो सोच रहा साला ये लिस्ट क्यों नहीं बना रहा, हम सोच रहे लिस्ट बना के साले उसके पास जाके झापड़ी खाना है तो फिर लिस्ट क्यों बनावे। तो जिंदगी में हर आदमी को उसी से मिलना है जो तुमसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात करनी है वो जो तुमसे करना नहीं चाहता। और यही रीजन है कि हम लोग अपने टाइम को बराबर वापरते नहीं है, फालतू में बहुत टाइम गवा देते हैं। कोई कुछ भी घर में छोटी छोटी बातों को लेके हम उसके अंदर घुस जाते। जैसे हम समझो 6 बजे किसी को मिलने जा रहे थे, क्लोजिंग करने जा रहे थे, 2 दिन पहले वो मीटिंग में आया था, उसको क्लोज करने जा रहे थे 6 बजे, और बीवी बोलती है कि नल में पानी नहीं आ रहा, तो हम पाइप के अंदर घुस जाते। क्योंकि पाइप में घुसना मंजूर है, उस कुत्ते को मिलना जो हमसे नहीं मिलना चाहता है उससे तो बेटर पाइप है। तो बीबी बोलती है टीवी बराबर नहीं चल रहा, तो हम टीवी में घुस जाते। क्यों? अगर वहां घुस गए तो यह करने की जरूरत नहीं है, उसको मिलने की जरूरत नहीं जो हमसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात करने की जरूरत नहीं है जो हमसे सुनना नहीं चाहता। आर यू गेटिंग द कनेक्शन? देयरफॉर कोई भी आदमी अपने किधर भी बुलावे ना, तो हम होलसेल में घुस जाते हैं, उसमें ये काम छोड़ के बाकी हम कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि इसमें खतरा है। आर यू विद मी? आपका नाम क्या है? कल्पेश। मुझे ये बताइए कितने टाइम से है बिजनेस में? 2 साल। इस 2 साल से आपने हजारों लोगों को मिले ये बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नेटवर्क का ये बिजनेस को प्रमोट किया, हजारों को मिले। आप जब भी गए कोई ऐसा मिला आपको, कल्पेश भाई
आप कहाँ थे? मैं इतने साल से तरस रहा था आपको देखने के लिए, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना था, आप बताइए कैसा ज्वाइन करना है, कैसे मीटिंग करना है, मैं टोटल कमिटमेंट के साथ करूँ, मेरे को बहुत करना है सर, बहुत साल से मैं आपको देखने के लिए, और क्या क्या प्रोडक्ट्स लेना है बताइए, क्या क्या लेना है, ICICI का लेना है, फुल ले लूँ, अभी ले लूँ, और कौन सा लेना है, नॉटिंगहम लेना है, क्या लेना है आप बताइए, और क्या लेना है, और जो घड़ी वाला भी ले लूँ, और उसके बाद जो ब्रुंसविक है वो भी करना है, बस अभी ले लेता हूँ, चेक कितने का दूँ बताइए, कल्पेश भाई बस ज्वाइन करना है। हेल्थ इंश्योरेंस भी लूंगा और होम इंश्योरेंस भी लूंगा और जो फ्लेक्सी प्लान है, एंडोमेंट है, चाइल्ड है, सब लेना है। कल्पेश भाई साइन किधर करने का, चेक कितने का देने का बताइए, कैसे ज्वाइन करने का, ऐसा तेरे को कोई मिला रे? आज से 2000 साल तक तेरे को ऐसा एक कुत्ता नहीं मिलेगा। तुझे वही मिलेंगे जो तुझसे मिलना, और तुझे उनसे वही बात करनी है वो जो तुझसे करना। ये बात साला ठोक के तेरे दिमाग में फिट कर दे कि तुझे जीवन भर अगर सक्सेसफुल होना है तो तुझे उस इंसान से मिलना है जो तुझसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात करनी है जो वो तुझसे करना नहीं चाहता। ये सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। और यही रीजन है हम लोग ना लिस्ट बनाते हैं, ना अपना टाइम को बराबर वापरते हैं, ना पढ़ाई लिखाई करते हैं। क्यों पढ़ाई करूं साला, पढ़ाई सब करने के बाद मिलना किसको है? आप बोलते हो बुक पढ़ो, टेप सुनो, बुक सुनो, सेमिनार में आओ, सब सब डांस करने के बाद मिलना किसको है? उसी मामा को जो जाते ही अपने को चार गाली देगा, उसी दोस्त को जो बोलेगा तुझे और कुछ मिला नहीं, इससे अच्छा भंगी हो जाता तू। तो अपने को जितने मिले उन्होंने अपनी पैंट शर्ट चड्डी उतारे, एक लिमिट होता ना कितना उतार के लेंगे। सक्सेसफुल आदमी 9 चड्डी पहन के घूमता है, सब उतारने के बाद 2 बच्चा ही रहता है उसका। अनसक्सेसफुल 1 डाल के जाता है, पहले उतार देता दुखी हो जाता हो। देयरफोर आपको जीवन भर वही करना है जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको उन इंसान जो आपसे मिलना नहीं चाहते, और आपको वो बात करनी है वो जो तुमसे करना नहीं चाहता। और ये गेम जो है सब बड़े नेटवर्कर को समझ में आ गया, और ये गेम जिसको समझ में आ गया उसने ये खेला और वो लाखों रुपया बनाया। मैं जब यूरेका फोर्ब्स में था तो मैं दर घर में जाता था, पहले दरवाजा, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, ठेडा। अगला दरवाजा, गुड मॉर्निंग मैडम, माय नेम इज संतोष नायर, आई हैव गॉट अ स्मॉल मशीन दैट कैन क्लीन एवरीथिंग इन योर होम राइट फ्रॉम योर फ्लोर टू योर सीलिंग, ठेडा। अगला दरवाजा, गुड आफ्टरनून मैडम, माय नेम इज संतोष नायर, आई हैव गॉट अ स्मॉल मशीन दैट कैन क्लीन एवरीथिंग इन योर होम राइट फ्रॉम योर फ्लोर टू योर सीलिंग एट अ टाइम कन्वीनियंट टू यू, टुडे इन द इवनिंग आई विल कम एंड गिव यू नो ऑब्लिगेशन फ्रीडम, ठेडा। ऐसे रोज जब 110 दरवाजे में नॉक करता था, रोज सुबह 7:45 से जब मैं 110 दरवाजे नॉक करता था, एक भी इंसान मुझसे मिलना नहीं चाहता था ये 110 में से, लेकिन मुझे उन्हीं से मिलना है जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, और उनसे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना। उसने नहीं बुलाया था वैक्यूम क्लीनर खरीदने के लिए मेरे को, मैं गया था। उसने नहीं बुलाया था कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने, मैं गया था उसको ज्वाइन करने के लिए। उसने नहीं बुलाया था कि मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, उसने नहीं बुलाया था कि मेरे को आपका ट्रेनिंग चाहिए, मैं गया था। तुझे मेरी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मेरे को देने का ना, लेकिन मेरे को देने का ना, क्योंकि अगर तू नहीं लेगा तो मेरी बीवी का नेकलेस कैसे बनेगा, तो तुझे तो लेना ही है मेरी बीवी के लिए।
तो तू बैठ इधर और सुन मेरी बात, तुझे नहीं चाहिए लेकिन मेरे को देना। किसी को नहीं चाहिए मेरी ट्रेनिंग, मेरे को देने का है ना, लेकिन किसी को नहीं चाहिए मेरा नेटवर्क में ज्वाइन कर मेरे को जुड़ाने का ना, लेकिन ये बात मेरे को समझ में आ गया कि 110 दरवाजे में 95 लोग मेरे मुंह पे दरवाजे मारते थे, लेकिन 7 से 10 आदमी मेरे को अंदर भी आने देते थे। मैं उस 7 से 10 आदमी के लिए, वो 7 से 10 आदमी जो मुझे अंदर बुलाते हैं, मैं उसके लिए दरवाजा नॉक कर रहा था। और ये बात मेरे को समझ में आ गया कि 7 से 10 आदमी तक पहुंचने के लिए मुझे 95 का झापड़ खाना पड़ेगा। तो मैं एक कदम और आगे गया ये जानने के लिए कि सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग पीपल वो लोग वो आदत डेवलप कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्यों क्यों वो कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा? क्या बात है कि वो कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा? Why? Why do successful network marketing people develop those habits that they don't like themselves? जो उनको खुद को पसंद नहीं है, मुझे लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं लोगों को क्यों मिलता हूं? मुझे भी रोज सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्यों उठता हूं फिर? मुझे भी रोज लिस्ट बनाने को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्यों बनाता हूं? क्यों ये टॉप क्लास सक्सेसफुल आदमी रेगुलरली हर दिन प्रतिदिन लगातार हर हफ्ता हर महीना हर साल जितना टाइम वो बिजनेस में है उतना टाइम में वो हर दिन क्यों करता है? वाह! क्योंकि उनको एक फॉर्मूला समझ में आ गया और वो है ये, बिकॉज बाय डूइंग द थिंग्स दैट दे डोंट लाइक दे अकम्प्लिश द थिंग्स दैट दे वॉन्ट। सिंपल बात यह है कि अगर मैं वो करूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे घर चाहिए, 3 बेडरूम हॉल किचन चाहिए, सीजी रोड में चाहिए, अहमदाबाद में चाहिए, 14 जनवरी 2008 को दोपहर को 3 बजे चाहिए, मुझे चाहिए। तो अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं घर लेने के लिए उन लोगों को मिल रहा हूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे को गाड़ी चाहिए, तो जब जब आप जीवन में वो करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए, और जब जब आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है तब तक आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। सिंपल। तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन वो चाहिए वो मिलेगा तब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता। और ये बात सक्सेसफुल लोगों को समझ में आ गया। अब मुझे मर्सिडीज लेनी है तो मुझे वो चाहिए, अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे रोज सुबह खड़े रह के, रोज सुबह शाम खड़े रह के 8-8, 7-8, 6-6, 4-4 घंटे का ऐसा टॉक देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने टॉक दे दे के वो आदत क्यों डाली? क्योंकि मेरे वो हर वो सपने जो मेरे हैं वो साकार होने के लिए मुझे वो सब करना पड़ेगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता। फॉर्मूला बड़ा क्लियरली मेरे को समझ में आ गया। तो मैं एक कदम और आगे गया, व्हाट मेक्स देम डेवलप दिस हैबिट्स, जो आदतें उन्हें अच्छा नहीं लगता, ऐसी कुछ तो एक बात होगी जो उनको उकसा रही है, लगातार उकसा रही है वो करने के लिए जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और वो एक चीज जो मेरे को समझ में आया, जो सक्सेसफुल लोग वो आदतें डालते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक ही रीजन है और रीजन है उनका बड़ा क्लियर कट पर्पस है।
उनका पर्पस क्लियर है, उनका पर्पस क्लियर है। वो इसलिए वो आदत डाल पा रहे हैं क्योंकि उनका पर्पस क्लियर है। कौन सी आदत डाल रहे हैं लोग, कौन सी आदत डाल रहे हैं लोग जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, वो आदत डाल रहे हैं। और क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत क्लियर कट पर्पस है। पर्पस यानी लक्ष्य, गोल। जैसे मेरे पास हर चीज का डेट के साथ है, और मैंने जब आपसे पूछा तो सब मिला के 1200 आदमी में 10 आदमी ने हाथ उठाया कि हमारे पास डेट के साथ सब है। मैं कब रिटायर हो रहा हूं, वो शाम मेरा बैंक अकाउंट में कितना रोकड़ा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, सब तय है। मेरा अगला गाड़ी कौन सा है, मेरा अगला घर कौन सा है, मैं अगला वेकेशन कहां जाऊंगा, सब तय है। मेरा पर्पस क्लियर है, और वो पर्पस क्लियर होने की वजह से मैं वो सब कर पा रहा हूं जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देयरफॉर एक भी समझने की कोशिश करो, दम आप में नहीं है, दम आप में नहीं है, किसमें है?